मूवी की स्टार्टिंग में हम एक क्राइम सीन वाले प्लेस को देखते हैं जहां पर कुछ पुलिस वाले मिलकर यहां का मुआयना कर रहे हैं। यहां पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। यहां पर कोई भी जिंदा शख्स उन्हें नहीं मिलता है और जब पुलिस बेसमेंट में जाती है तो वहां पर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन यहां ये आखिरकार हुआ कैसे, इसे जानने के लिए हमें 24 आवर्स पहले जाना पड़ेगा। यहां पर हम मैक्सिन नाम की एक लड़की और उसके अमीर बॉयफ्रेंड वेन को देखते हैं। वेन जो कि एक मूवी प्रोड्यूसर है और वो इस समय भी मूवी की शूटिंग के लिए ही जा रहे हैं। इन दोनों के अलावा इनके क्रू में जो एक्टर्स हैं उनके नाम बॉबी और जैक्सन है और इनके हेल्पर्स लोरेन और आरजे निकोल हैं। ये सभी लोग एक एडल्ट फिल्म की शूटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं और मूवी का नेम द फार्मर्स डॉटर है। अब जैसा कि इनके शूटिंग की लोकेशन काफी दूर है तो वो रास्ते में ब्रेक लेते हुए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। इस जगह पर वो गैस भी भरवाते हैं और अपने कुछ जरूरत की चीजें भी यहीं खरीदते हैं। सामान ले लेने के बाद में अब वो यहां से निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें थोड़ी भीड़ दिखाई देती है। यहां एक्चुअली एक काऊ का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था जिसे देख के मैक्सिन की तो तबीयत ही खराब हो जाती है। इस चीज को इग्नोर करते हुए यहां से आगे बढ़ने के बाद में आखिरकार वो उस फार्म हाउस के पास में पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी शूटिंग लोकेशन है। अब यहां पर आने के बाद में वेन कार को रोक कर घर के मालिक से मिलने के लिए जाता है। वेन डोर पर नॉक करता है तो अंदर से जो ओल्ड बंदा निकलता है वो वेन पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम यहां पर क्यों आए हो, यहां पर किसी का आना अलाउ नहीं है। लेकिन अब वेन कहता है कि हमारी फोन पर बात हुई थी और मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हो। जिसके बाद में ये ओल्ड बंदा जिसका नाम हॉवर्ड है उसे ध्यान आ जाता है और वो इन सभी को पास के केबिन के पास में चलने को कहता है। अब इधर जब बाकी लोग कार से उतर रहे होते हैं तो मैक्सिन को घर के खिड़की पर कोई अजीब सा शख्स घूरते हुए दिखता है, लेकिन मैक्सिन इस बात को इग्नोर करके आगे चली जाती है। हॉवर्ड इनको केबिन दिखाते हुए कहता है कि ये जगह अब तुम लोगों की है, बस कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी वाइफ को डिस्टर्बेंस हो। वेन भी हॉवर्ड को कुछ एडवांस पैसे दे देता है जिसके बाद में हॉवर्ड यहां से चला जाता है। हॉवर्ड घर की ओर जाता है और फिर वो अपने ट्रक से कहीं और चला जाता है। अब इसके बाद में इस तरफ ज्यादा देरी ना करते हुए वेन सभी को शूटिंग स्टार्ट करने को कहता है। अब जैसा कि ये एक पोर्न मूवी है तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इंटीमेशन की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लोरेन को ये सब काफी वियर्ड लग रहा था क्योंकि उसे लगा था कि कोई नॉर्मल एडल्ट मूवी होगी लेकिन ये तो पोर्न मूवी होती है। इस तरफ अब मैक्सिन सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलती है जिसके बाद में अब वो टहलते हुए पास के जंगल के करीब जाने लगती है। वहां जाने पर उसे एक लेक दिखती है और फिर मैक्सिन का यहां पर नहाने का मन होने लगता है। मैक्सिन अपने कपड़े उतारती है लेकिन हम उसके पीछे देखते हैं कि कोई शख्स खड़ा है, लेकिन इस बात से बेखबर मैक्सिन लेक में नहाने के लिए चली जाती है। अब कुछ देर बाद में नहा लेने के बाद में जब वो लेक से बाहर निकलने वाली होती है तो उसके पीछे से एक क्रोकोडाइल उसकी ओर आने लगता है। मैक्सिन को यह बात नहीं पता चल पाती है, लेकिन जब तक क्रोकोडाइल उसके नजदीक आता है उससे पहले ही मैक्सिन बाहर निकल जाती है। वो वापस केबिन की ओर जाती है जहां उसे घर के पास एक ओल्ड लेडी उसे बुलाते हुए दिखती है। मैक्सिन को यह थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो कुछ सोचे समझे उस घर की ओर चली जाती है। घर के अंदर जाने पर वो यहां की बुरी हालत को देखती है और तभी वो ओल्ड लेडी पीछे से आके कहती है कि क्या तुम नींबू पानी पियोगी। दोनों लोग बैठ के लेमिनेट पीते हैं और फिर बाद में दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। वो ओल्ड लेडी मैक्सिन से कहती है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह सुंदर थी लेकिन अब पूरे हालात बदल चुके हैं। ऐसा कहकर वो उसे छूने की भी कोशिश करती है लेकिन तब तक बाहर हॉवर्ड आ जाता है जिसके बाद में वो ओल्ड लेडी मैक्सिन को यहां से चुपके से चले जाने को कह देती है। अब मैक्सिन पीछे के दरवाजे से निकलकर केबिन की ओर जाती है तो फिर वेन उससे पूछता है कि तुम कहां थी, क्योंकि अब उसकी बारी आने वाली थी। इस तरफ हॉवर्ड को पता चल चुका है कि उसके घर कोई आया था। अब मैक्सिन के साथ में एक्ट शूट किया जाता है। जैसा कि ये पोर्न मूवी की शूटिंग है तो जैक्सन बॉबी के बाद अब मैक्सिन के साथ में इंटीमेट होता है, भले ही मैक्सिन वेन की गर्लफ्रेंड है। इधर मैक्सिन को देखने के बाद में इस ओल्ड लेडी के अंदर भी फीलिंग जाग गई थी। इसके बाद जब वो केबिन के करीब जाती है तो वो खिड़की से मैक्सिन को इंटीमेट होते हुए देखती है। इसे देख के उस ओल्ड लेडी के और भी अरमान जाग जाते हैं। अब वो घर पर आती है तो तैयार होकर वो हॉवर्ड के पास जाती है। वो हॉवर्ड को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन हॉवर्ड कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो बूढ़ा हो गया है और उसका हार्ट भी कमजोर है। ये सुनने के बाद में ओल्ड लेडी अपना मन मार के बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके माइंड में अब तो कुछ और भी खतरनाक घूमने लगता है। इस तरफ रात में शूटिंग के बाद में अब सभी साथ में बैठे थे तो लोरेन सभी से कहती है कि वो भी इस मूवी का हिस्सा बनना चाहती है। इस मूवी का हिस्सा बनने के लिए उसे जैक्सन के साथ में इंटीमेट वाला सीन देना पड़ेगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आरजे इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। एक तो वो अपने मूवी की राइटिंग में फेरबदल नहीं करना चाहता और दूसरा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के साथ में नहीं देख सकता। दोनों के बीच में इसी पर बहस होती है लेकिन वेन फिर बाहर जाके आरजे को समझाता है कि ये सिर्फ मूवी का एक सीन होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आरजे अभी भी रेडी नहीं होता है लेकिन लोरेन ऐसा करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। अब यहां पर एक बार फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है जो ना चाहते हुए भी आरजे को शूट करना पड़ रहा है। आरजे इस बात से बेहद ही दुखी हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ
में फिजिकल हुई है। वो इस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है कि अब वो कार की चाबी उठाकर अकेले ही यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ से जाते हुए रास्ते में उसे वही ओल्ड लेडी सामने दिखती है। आरजे कार रोककर उसके पास में जाकर पूछता है कि क्या हुआ है आपको, आप यहाँ क्या कर रही हो। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी आरजे के करीब होकर उसे भी सेड्यूस करने लगती है। मगर जब आरजे उससे दूर जाने लगता है तो फिर वो ओल्ड लेडी चाकू निकालकर उसे मार देती है। वो उस पर कई बार चाकू से स्टैब करती है। इसको मारने के बाद मानो अब इस लेडी को प्लेजर मिल रहा हो। अब वो कार की चाबी लेती है और यहाँ से चली जाती है। इस तरफ लोरेन जब नींद से जगती है तो वो पास में आरजे को नहीं पाती है। इसके बाद वो बाहर जाकर आरजे को देखने जाती है लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं होता। अब वो वेन के पास में जाती है और कहती है कि आरजे उसे नहीं मिल रहा, वो कहीं पर चला गया है। वेन कहता है कि कार यहीं खड़ी है तो वो भी यहीं कहीं ही होगा। लेकिन लोरेन उसे आरजे को साथ में मिलकर ढूंढने को कहती है। अब दोनों लोग आरजे को ढूंढने के लिए जाते हैं। वेन एक फार्म हाउस की ओर ढूंढते हुए जाता है और लोरेन घर के पास हावर्ड से जाके आरजे के बारे में पूछती है। हावर्ड को आरजे के बारे में नहीं पता था और वो साथ में ये भी कहता है कि क्या तुमने मेरी वाइफ को कहीं देखा, यानी कि यहाँ पर दोनों लोग ही लापता है। इस तरफ वेन आरजे को ढूंढ रहा था कि तभी उसके पैर में कील घुस जाती है और फिर बाद में वो ओल्ड लेडी आके अब वेन को भी मार देती है। इधर हावर्ड कहता है कि चलो हम दोनों मिलके उनको ढूंढते हैं, रात काफी ज्यादा हो गई है जिसके लिए हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। हावर्ड लोरेन को बेसमेंट में जाके टॉर्च लाने को कहता है। लोरेन को बेसमेंट में टॉर्च मिल जाती है और फिर जब वो यहाँ से वापस निकलने लगती है लेकिन यहाँ बाहर का दरवाजा बंद हो गया था। हावर्ड ने उसे यहाँ कैद कर लिया है। लोरेन नीचे जाके टॉर्च लगा के यहाँ पर बेसमेंट में देखती है तो उसे यहाँ किसी की पुरानी डेड बॉडी दिखती है। वो खूब तेज डर जाती है और चिल्लाती है। इस चिल्लाने की आवाज हल्की सी जैक्सन को सुनाई दे जाती है। वो उठ के बाहर जाता है तो बाहर उसे हावर्ड टॉर्च के साथ में दिखता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ नहीं मिल रही है, जिसके बाद में अब जैक्सन भी उसके साथ में उसे ढूंढने के लिए जाता है। जैक्सन और हावर्ड दोनों लोग पास के उसी लेक के पास में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं, शायद वो इन्हीं के बीच में ना हो। जैक्सन जाके दूसरी साइड में देखने लगता है जिसके बाद में उसे यहाँ पर कुछ कार्स पानी में पड़ी हुई दिखती हैं। इसे देखकर जैक्सन को कुछ थोड़ा सा शक होता है। वो पानी से बाहर निकलता है और हावर्ड यहाँ पर उसके सामने था। हावर्ड भी समझ गया है कि इसे कुछ शक होने लगा है, जिसके बाद में वो इसे मार देता है। इधर लोरेन बाहर निकलने की कोशिश में होती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। अब इस तरफ जब जैक्सन और वेन नहीं बचे थे तो वो ओल्ड लेडी मैक्सन के कमरे में आती है और फिर वो अपने कपड़े निकालने लगती है। अब इसके बाद में वो उसी के साथ में बेड पर लेट जाती है। वो ओल्ड लेडी मैक्सन को बुरी तरह से छूने लगती है और कुछ समय बाद अब मैक्सन की भी आंख खुल जाती है। वो खूब तेज चिल्लाती है जिसे सुनने के बाद में बॉबी भी जाग जाती है। बॉबी कमरे से बाहर निकलती है तो वो ओल्ड लेडी भी यहाँ से जा रही थी। बॉबी को यहाँ वेन, आरजे और जैक्सन नहीं दिखते तो वो बाहर ढूंढने के लिए चली जाती है। वो लेक की ओर उनको ढूंढने के लिए जाती है लेकिन यहाँ पर बॉबी को वो ओल्ड लेडी पानी के साइड न्यूड खड़ी हुई दिखती है। बॉबी उस लेडी के पास में जाकर चादर उड़ा देती है। वो उसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो ओल्ड लेडी उल्टा उसी को ही बुरा भला कहने लगती है। बॉबी भी यहाँ पर उसको कुछ कहती है जिसके बाद वो ओल्ड लेडी उसे पानी में ढकेल देती है। पानी में गिर जाने पर अब क्रोकोडाइल आके बॉबी को मार देता है। अब हावर्ड भी यहाँ पर आता है, वो अपनी वाइफ को यहाँ से ले जा रहा होता है। इधर मैक्सन को ओल्ड लेडी ने छुआ था तो वो उस जगह को धुलने लगती है। इधर ये ओल्ड कपल मैक्सन को ढूंढते हुए घर के पास में आते हैं लेकिन उन्हें यहाँ पर मैक्सन नहीं मिलती। ओल्ड लेडी के मन के अरमान इस समय जगे हुए होते हैं। वो फिर से एक बार हावर्ड को उसके साथ में रोमांस करने को कहती है। अब ना चाहते हुए भी हावर्ड को उसके वाइफ के साथ में रोमांस करना पड़ता है। दोनों लोग साथ में इंटीमेट होते हैं और इधर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मैक्सन उनके बेड के नीचे छिपी होती है। मैक्सन अब वहाँ से चुपके से निकलकर बाहर की ओर जाती है। वो सीधा कार की ओर जाती है। कार के पास में जाने पर उसको आरजे की डेड बॉडी दिखती है। इसी दौरान उसको लोरेन के भी चिल्लाने की आवाज आती है। वो अब घर की ओर जाके लोरेन के पास जाती है। मैक्सन लोरेन को छुड़ा लेती है लेकिन छूट जाने के बाद में लोरेन मैक्सन से गुस्सा थी क्योंकि वो उसी के कहने पर यहाँ पर आई थी। अब लोरेन बाहर की ओर भागने लगती है लेकिन एक बुलेट शॉट से वो मारी जाती है। ये गोली हावर्ड ने चलाई थी। इन दोनों ने यहाँ पर कई लोगों को मार दिया है। अब ये दोनों यहाँ पर इन बॉडीज को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। हावर्ड लोरेन की बॉडी को खींच के लाता है लेकिन इसी दौरान उसको हार्ट अटैक आ जाता है जिसके बाद में उसकी मौत होती है। इसे देखकर मैक्सन अब गन पॉइंट करके बाहर निकलकर उस ओल्ड लेडी से ट्रक की चाबी पूछती है। वो ओल्ड लेडी बता देती है कि चाबी वहां पर अंदर रखी है, जिसके बाद में मैक्सन जल्दी से अब चाबी उठाती है। मगर वो ओल्ड लेडी फिर से अपनी गन उठा के मैक्सन पर शूट कर देती है लेकिन गन का बैकवर्ड प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो ओल्ड लेडी भी साथ में पीछे उड़ जाती है। ओल्ड लेडी यहां तड़प रही होती है लेकिन उसे छोड़कर मैक्सन ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट कर देती है। अब वो ट्रक को पीछे लेती है और फिर उसी ट्रक से उस ओल्ड लेडी को कुचल देती है और फिर मैक्सन यहां से बच के निकल
निकल जाती है। अब अगला दिन होता है जो कि प्रेजेंट का डे है। यहाँ पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सब कैसे हुआ। यहाँ पर कोई भी जिंदा शख्स उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन वो कैमरा उन्हें मिल जाता है जिसमें उस मूवी की शूटिंग हो रही थी, और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2022 की हाल ही में रिलीज हुई एक्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।